आओ चले मिलकर देश को मजबूत बनाएं और सत्य के साथ चले। सत्य का मार्ग सच्चा मार्ग होता है, सत्य के मार्ग पर भगवान की प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर सिर्फ अब गुजरात विधानसभा 2022 की सिंहासन किसके हाथ लगेगी, या नजर अब सीधे सीधे सभी पार्टियों की चल रही है। आओ गुजरात विधानसभा 2022 की विधानसभा में सिंहासन की कुर्सी किसे मिलेगी, और इस समय सभी की नजर चल रही है सभी राजनेताओं की गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही। जैसे कि मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सिंहासन दानों का एक राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार तेजी के साथ देखी जा रही है। वहीं पर अब दिल्ली में एमसीडी की चुनाव की तैयारियां तेज चल रही है। सभी पार्टियां हर जगह अपने अपने कैंडिडेट राजनेताओं को चुनाव में उतार रखा है। वहीं पर गुजरात में चुनावी सियासत तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने अपने पार्टी के अंतर्गत जीत के लिए गुजरात में वोट मांग रहे हैं। आम जनता से पार्टी की जीत के लिए अपील कर रहे हैं, और यह गुजरात देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का गढ़ है। आखिर में गुजरात विधानसभा 2022 में किसकी सियासन और कौन सी पार्टी जीतेगी, यह जानना और अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। हम सभी को यह जल्दबाजी कहा जा सकता है। वैसे सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी का अधिक जलवा गुजरात में दिखाई दे रही है, लेकिन क्या यह ओपिनियन पोल में अन्य पार्टियां पीछे हैं, या तो ओपिनियन पोल है? इसकी विश्वसनीय और खरा होना अभी तब पता लगेगा जब पार्टी जीत हासिल करेगी। आने वाला समय चुनाव के बाद ही यह तय हो पाएगा कि यह ओपिनियन पोल में कितनी सच्चाई और कितना विश्वसनीय और सत्य वचन के साथ आगे बढ़ रही है। अब सभी पार्टियां अपने अपने दांव पर लगी हैं और प्रचार प्रसार गुजरात में तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी गुजरात दौरे पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए दावा कर रहे हैं। आखिर यह सत्य वचन किसकी बात सत्य हो जाएगी, या कहना और बताना जुठलाना जैसा मुहावरा हो सकता है। इसलिए सभी गुजरात वासियों से अपील है कि आपके राज्य में आपके विधानसभा सीट पर 2022 के सियासन के लिए कौन विधायक होगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे जानने के लिए हम सभी लोगों को बस लोकतंत्र के त्यौहार में वोटिंग अधिक से अधिक करना है। जो ईमानदार हो, सच्चा हो, सही हो, उसी को ही सपोर्ट करना चाहिए, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, या निगम पार्षद का चुनाव हो, या गांव के प्रधानी का चुनाव हो। जो अच्छा हो, ईमानदार हो, उसी को ही लोकतंत्र के त्यौहार में जीत हासिल कराना चाहिए। आपकी वोटिंग और बहुत ही कीमती है, इसलिए लोकतंत्र के त्यौहार बड़े धूमधाम से खुशियों से मनाएं, वोट देने जरूर जाएं और लोकतंत्र का पर्व जरूर मनाएं। बस हम यहीं तक, फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।